रेत माफिया ने पटवारी को ट्रैक्टर से कुचला मौत। शहडोल में अवैध खनन को रोकने गई थी टीम, रात भर घाट पर पड़ा रहा शव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहडोल में शनिवार की रात सोन नदी पर अवैध उत्खनन रोकने गए पटवारी को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्योहारी तहसील के खड्डा में पदस्थ पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल तहसीलदार के आदेश पर तीन अन्य पटवारी के साथ अवैध उत्खनन को रोकने पहुंचे थे, तभी गोपालपुर गांव में माफियाओं ने पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। जानकारी के अनुसार पटवारी प्रसन्न सिंह अपने अन्य साथियों के साथ शनिवार रात लगभग 12 बजे गोपालपुर के सोन नदी के घाट पर पहुंचे थे। यहां अवैध खनन जारी था, कई ट्रैक्टर रेत के अवैध परिवहन में लगे थे। उनमें से एक ट्रैक्टर को प्रसन्न सिंह ने रोक लिया, तभी माफिया के इशारे पर ड्राइवर ने अचानक पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए वहां से भाग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि खनन माफिया पटवारी को कुचलने के बाद मौके से भाग गया और अन्य अवैध खनन करने वाले भी फरार हो गए। रात भर घाट पर ही पड़ा रहा शव, वहीं साथी पटवारियों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद भी शव रात भर घाट पर ही पड़ा रहा। रविवार सुबह पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें कि शहडोल जिले में रेत और कोयले का अवैध खनन धड़ल्ले से चलता है। शनिवार को दिन में खनिज विभाग ने कार्यवाही का कोरम पूरा करने के लिए 250 घर मीटर लावारिस रेत जब्त किया, लेकिन किसी खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। देवलोन थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि पटवारी के ऊपर चढ़ाने वाले ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया है, चालक भी हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। शहडोल से जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी, इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई, 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक SDM खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की पूरी जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय चार हमारे जो पटवारी थे जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहाँ पे कार्रवाई करवा रहे थे, वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही, तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहाँ पे उसने कुचल के उसको मार दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।